अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है, जहां सिक्का रोहित के पक्ष में रहा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और रोहित के साथ मिल यशस्वी जायसवाल और किंग कोहली ने एक बार फिर अपने बल्ले से वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिरकार क्या है इस मुकाबले का आंखों देखा हाल? किसने बनाए हैं कितने रन? किसने ठोका ऐतिहासिक शतक? क्या यशस्वी ने फिर रचा है इतिहास? इस मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और जायसवाल में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में जहां भारतीय टीम ने बड़ी ही शान से वेस्ट इंडीज को न केवल 140 रन बल्कि एक पूरी पारी के अंतर से कुचलकर रख दिया था, वहीं अब दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया ने पहले दिन ही ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में भी हम वेस्ट इंडीज को हरा कर 2-0 से उनका सूपड़ा साफ कर देंगे। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांच शुरू हुआ, तो यहाँ पर टॉस जीतकर कप्तान रोहित ने बल्लेबाजी का फैसला किया। उसके बाद एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। जहां वेस्ट इंडीज वापसी करना चाहती थी, तो वहीं टीम इंडिया ने उनके गेंदबाज एक बार फिर से बेबस नजर आए, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। तो इन दोनों ने पहले ओवर से ही चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी। बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं थी कि दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में लग रहे थे। उन दोनों की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो भारतीय दर्शक भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। हालांकि जायसवाल इस मुकाबले में जल्दी आउट हो गए, उन्होंने 62 रनों की आदिशी पारी खेली। इस दौरान जायसवाल ने 5 खौफनाक छक्के और 3 खतरनाक चौके भी लगाए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज को जरा भी ये भनक नहीं थी कि जायसवाल को आउट करना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी, क्योंकि मैदान में उतरे किंग कोहली ने कप्तान रोहित के साथ मिल वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान पर ऐसा तांडव मचाया जिसे देख पूरी दुनिया कांप उठी। दोस्तों, यदि आप भी पूरी दुनिया की तरह भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे इस क्लासिकल टेस्ट मैच को देखना चाहते हैं, तो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं यदि आप इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो वो अपने मोबाइल फोन पर आप जियो सिनेमा के माध्यम से कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना नहीं पड़ेगा और आप फ्री में रोमांचक मुकाबले के गवाह बन सकते हैं। वहीं डीडी स्पोर्ट्स के चैनल पर भी यह सुविधा हाल फिलहाल में उपलब्ध है। अब बात करें इस लाइव मुकाबले के बारे में, तो मैच बेहद शानदार मोड पर चल रहा है। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने केवल 88 गेंदों पर लगातार अपना दूसरा तूफानी शतक भी पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने 8 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए हैं, जिनमें से कई बार तो गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई थी। उसके बाद भी ये खिलाड़ी आउट होने का नाम नहीं ले रहा था। तो वहीं विराट कोहली भी 85 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। टीम इंडिया की दिल की और धड़कन ने अकेले दम पर ही वेस्ट इंडीज को घुटनों पर ला दिया, और उनकी शानदार बल्लेबाजी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय टीम आसानी से 400 रनों का आंकड़ा पार कर जाएगी और 5 दिनों के इस टेस्ट मैच में हम पहले दिन ही वेस्ट इंडीज को मुकाबले से बाहर कर देंगे। बात करें मौसम की, तो दोस्तों वेस्ट इंडीज में हाल फिलहाल समर चल रहा है, यानी कि बारिश की कोई आशंका नहीं है और हमें पूरा घमासान देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों दोनों टीमों की, तो हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले। बात करें वेस्ट इंडीज टीम के बारे में, तो क्रेग ब्रैथवेट के कंधों पर टीम की कमान सौंपी गई है। उनके साथ जर्मन ब्लैकवुड, टी चंद्रपाल, रहकीम कानवाल, जोशुआ डिसिल्वा मुख्य बल्लेबाज के रूप में टीम में मौजूद है। तो वहीं केमार रोच के साथ दोबारा अल्जरी जोसेफ और जैसन होल्डर को अपना जौहर दिखाने का मौका मिला है। अगर बात करें भारतीय टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी है, तो टीम इंडिया कोई भी बदलाव करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं शुभमन गिल नंबर 3 के पायदान पर मौजूद है। मध्यक्रम में किंग कोहली के साथ अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की बैकबोन के रूप में वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। तो उनके साथ साथ ईशान किशन को भी मौका दिया गया, जहां इस मैच में किशन के पास अपने बल्ले से इम्पैक्ट छोड़ने का पूरा मौका है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में गेंद और बल्ले दोनों से जौहर दिखाने के लिए रविचंद्रन अश्विन के साथ साथ रविंद्र जडेजा मौजूद है। तो वहीं गेंदबाजी क्रम में मोहम्मद सिराज के साथ जयदेव उनादकट और शार्दुल ठाकुर को शुरुआती प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में भारतीय टीम बेहद खतरनाक लग रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को 2-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।